हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ खुशबू और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से ग्लोइंग स्किन के लिए जो पैक बताने वाली हूँ वो है मुल्तानी मिट्टी का पैक। तो मुल्तानी मिट्टी के पैक से आप कैसे अपने चेहरे को ग्लोइंग कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी का पैक बहुत से लोग लगाते हैं, पर मैं जो आज तरीका बताने वाली हूँ उस तरीके से आप अगर पैक लगाओगे तो आप डेफिनेटली है कि आपकी स्किन टोन में बहुत ही अच्छा एक अलग फर्क आएगा। और जो गर्मियों में पसीने की प्रॉब्लम्स होती हैं, मॉनसून्स में चिपचिपे ये स्किन की मतलब बहुत चिपचिपा हो जाता है हमारा, तो वो स्किन प्रॉब्लम्स का सारा सल्यूशन इस पैक में है। और ये पैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये मैं जिस तरह से आपको ये पैक बताने वाली हूँ आप अगर उस तरह से इसे यूज़ करोगे तो आपके स्किन में एक टोन ज़्यादा निखार आ जाएगा। मतलब जो आपकी स्किन टोन है ना उससे आपको लगेगा कि मेरी स्किन टोन में बहुत ही ग्लोइंग एक निखार आया है। तो इस पैक में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये पैक है और मैं जो तरीका बताने वाली हूँ उस तरीके से अगर आप इस पैक को यूज़ करेंगे ना तो सच में आप उसे यूज़ करेंगे तो ही आप बता सकते हैं, नहीं तो वरना नहीं बता सकते हैं। मैंने तो इसे यूज़ किया है तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और मैं जो पैक बताने वाली हूँ ना वो ऑयली स्किन्स के लिए भी बताऊँगी और ड्राई स्किन के लिए भी बताऊँगी, क्योंकि कोई कोई लोग बोलते हैं ना मुल्तानी मिट्टी लगाने से हमारी स्किन ड्राई होने लग रही है। तो मैं इस वीडियो में ड्राई स्किन के लिए भी एक तरीका बताऊँगी जिससे आप यूज़ करके आपके स्किन में ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी से कोई ड्राइनेस नहीं आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और ज्यादा नहीं बातें करती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए खुशबू क्रिएटिव कॉर्नर को और उसके आगे एक बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जा सके। और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में जरूर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है खुशबू क्रिएटिव कॉर्नर। पैक बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बाउल में एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेना है। फ्रेंड्स, मुल्तानी मिट्टी जो हमारे स्किन के ऑयल और डर्ट को रिमूव करता है, स्किन को सॉफ्ट और क्लीन बनाता है, एक्ने पिंपल्स जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं ना उन सभी को वो दूर करता है। और दूसरा जो मैं लेऊंगी वो है चंदन पाउडर। चंदन पाउडर भी हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाता है और ये हमारे स्किन को फेयर करने में काफ़ी हेल्प करता है और स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ठीक करता है। इन दोनों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जो मैं लेने वाली हूँ वो है टमाटर। टमाटर को हाफ कट करके और उसका जो पल्प है उसे निकाल के हमें यूज़ करना है। टमाटो में बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि हमारे स्किन को ग्लोइंग और जवान बनाए रखते हैं। धूप की वजह से जो टैनिंग हो जाती है, पूरे स्किन जो काला पड़ जाता है ना, उन सभी को जो टमाटर है ना वो दूर करता है। हमें ये टमाटर का जो पल्प है ना इसे बिल्कुल फेंकना नहीं है। इसको हम ना वीडियो में आगे में कैसे यूज़ करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी। इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद जो मैं यूज़ करूँगी वो है रोज़ वाटर। देख रहे हैं इस तरह का रोज़ वाटर यूज़ करने वाली हूँ। रोज़ वाटर जो है ना हमारे ब्यूटी को रिजाइन करता है, ये हमारे स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस रखता है, तो ये हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं इसमें एक चम्मच जो है ना रोज़ वाटर लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कम या ज़्यादा, कैसी क्वांटिटी लेनी है, क्योंकि हमें ये जो पैक जो बनाने वाले हैं उसको बिल्कुल पतला नहीं करना है। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा इसमें वन पिंच हल्दी लूँगी। हल्दी में एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे स्किन को ब्राइट अप करती हैं और नेचुरल ग्लो देती हैं। तो इन सभी को मिक्स करके हमें एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और इस पेस्ट को ज़्यादा, ये पैक ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। और ये जो पैक है ना फ्रेंड्स ये ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि ये उनके स्किन से निकलने वाले एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है ना उसको कंट्रोल करके रखता है। बट ड्राई स्किन वाले इसे कैसे लगाएं, क्योंकि बोलते हैं वो मुल्तानी पिट्टी लगाने से हमें ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ड्राई स्किन वाले इसमें 3 से 4 बूंद आमंड ऑयल का यूज़ करें। और अगर आपके पास बिल्कुल आमंड ऑयल नहीं है तो आप इसमें हनी का यूज़ कर सकते हैं। और
इस तरह से इसे इवनली हम अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेंगे। इसे आप गर्दन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हाथों पैरों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और टाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आप चेहरे पर अप्लाई कर रहे हो तो इस उस वक्त आप बोलिएगा मत, क्योंकि इसमें टाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो अच्छा नहीं होता। और इस पैक को आप हफ्ते में 2 बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरह से यूज़ करना है। सूखने से इसको हमको 15 मिनट के लिए रखना है, और 15 मिनट्स हो गए हैं तो 15 मिनट्स के बाद ये जो मैंने टमाटर का छिलका रखा था उससे पहले हम 2-3 मिनट के लिए अपने चेहरे की मसाज कर लेंगे, उसके बाद हम चेहरे को वॉश करेंगे वो भी ठंडे पानी से। इस तरह से 2 मिनट से मसाज करने के बाद क्या होगा, जो हमारे स्किन में गंदगी वगैरह वो होगी वो निकल जाए। आफ्टर वॉश आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ब्राइट अप लग रही है। तो आप इस पैक को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे दूसरे फेस पैक की रेसिपी वगैरह चाहिए तो मेरे चैनल पे है, आप उसे देख सकते हैं। वैसे मैं इसका आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं मेरे दूसरे पैक्स की रेसिपी वगैरह और आप उसे ट्राई कीजिए। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, और जब आप ट्राई करेंगे तभी तो बता सकेंगे कि ये पैक आपको कैसा इफेक्टिव लगा। सो फ्रेंड्स, आप ज़रूर से ज़रूर इस पैक को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पैक कैसा लगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।